देखिए हम कोर्ट के फैसले से सम्मान पूर्वक असहमत हैं विनम्रता पूर्वक असहमत हैं। आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है दो साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें एक रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है जो उनका पूरा केस है वो ऐसे विटनेसेस के आधार पर बना हुआ है जिनको पहले गिरफ्तार किया जाता है उनपे दबाव बनाया जाता है और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए जाते हैं चाहे राघव मगुंटा हो चाहे शरद रेड्डी हो जिनके आधार पर ईडी ने पूरी अपनी रिमांड एप्लीकेशन बनाई है जब उनकी पहले क्वेश्चनिंग हुई वो कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते हम विजय नायर को नहीं जानते हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए गिरफ्तारी के बाद उनपे दबाव बनाया जाता है उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट लिए जाते हैं और जैसे ही वो स्टेटमेंट दे देते हैं कुछ दिन में उनको बेल दी जाती है तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो सारे बयान हैं ये फर्जी हैं, ये सारे बयान दबाव पूर्वक लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है हम पूरी न्यायपालिका पे ये अपनी उम्मीद ये कायम रखते हैं कि वो इस बात को देखेंगे कि के इस केस में कोई भी प्रमाण नहीं है और इस केस में न्याय होगा देखिए जो भी कानूनी हमारे पास रास्ते उपलब्ध हैं उनको हम जरूर आगे बढ़ाएंगे चाहे ट्रायल कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो लेकिन हम न्यायपालिका से भी ये उम्मीद करेंगे कि उनकी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही है उनकी आंखों के सामने एक एक करके एक एक करके विपक्ष की पार्टियों पे हमले हो रहे हैं उनकी आंखों के सामने विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है उनकी आंखों के सामने विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं तो लोकतंत्र को बचाना न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी तो है को लेकर आगे का क्या होगा क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन जैसी बातें ये तमाम चीजें कही रही हैं अलग अलग जगहों पर देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप प्रोपागेंडा है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे हैं और रहेंगे कन्विक्शन हो जाता है दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो आप फिर जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोई कन्विक्शन नहीं हुई है इसलिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है उनके मुख्यमंत्री रहने पर देखिए आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के साथ खड़ा है और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी का ट्वीट दिखाता है कि पूरा परिवार हिम्मत के साथ बहादुरी के साथ लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में डटा हुआ है इससे ज्यादा मुश्किल परिस्थिति एक परिवार के लिए क्या हो सकती है कि एक पिता एक पति एक बेटा जेल चला गया है उनको पता नहीं है कब वापस आएंगे लेकिन वो परिवार टूटा नहीं है जैसे मनीष सिसोदिया का परिवार नहीं टूटा जैसे संजय सिंह का परिवार नहीं टूटा जैसे सत्येंद्र जैन का परिवार नहीं टूटा ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते हैं कि हम केस कर देंगे और विपक्षी पार्टियों के नेता कूद कूद कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक नेता उनके परिवार का एक एक सदस्य लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में डटा हुआ है और डटा हुआ रहेगा